दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि आज का स्टॉक मार्केट क्रैश होना था। इसका पहले से ही आपको देखिएगा अंदाजा कराया गया था, जब बताया गया था हुंडई का आईपीओ लिस्ट होगा तो वो इम्पैक्ट डालेगा पूरे के पूरे इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स पे। और वही चीज़ आपको देखने को मिली कि बेसिकली जब देखिएगा इतना ज़्यादा पैसा एक आईपीओ में लगता है और रिस्पॉन्स निगेटिव आते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं उससे नाखुश होता है। हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटा और देन आफ्टर दैट देखिएगा वही चीज़ देखने को मिली। अब बात करते हैं कल स्टॉक मार्केट कैसा खुलेगा, कल स्टॉक मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी अभी तक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन कोई ऐसा बम्पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा कि लाइक आप खुलते ही एकदम भागने लगोगे या आप देखिएगा बहुत गैप के साथ खुलोगे। अभी तक तो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, बट अगर कोई और भी देखेगा सप्लीमेंट ऐड होते हैं तो ये हो भी सकता है, क्योंकि टोटली पूरी तरीके से गिफ्ट निफ्टी क्या है, ओवरसोल्ड है, निफ्टी ओवरसोल्ड है, निफ्टी बैंक ओवरसोल्ड है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। और अगर आप देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिसिस गिफ्ट निफ्टी ये क्या कर रहा है कि हम पॉजिटिव खोल सकते हैं। 33 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होता, आपको ऐसे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव इंडिकेशन पा रहे हो तो ये छोटा नहीं होगा। अगर दो पर्टिकुलर स्टॉक्स ने इसका सपोर्ट कर दिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा HDFC बैंक का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल का एक क्लियर फंडा रखिएगा। क्लियर फंडा पहले 8 से 16 मिनट आपको मार्केट कहीं पे बहुत बिग गैप के साथ ना खुल जाए, बिग गैप अप ना हो जाए तो अलग बात है, वरना फ्लैट खुले तब भी आपको कॉल साइड जाना है 8 से 16 मिनट। अगर न्यूट्रल खुलता है, गैप डाउन खुलता है तब भी आपको यही करना है, और थोड़ा सा ऊपर खुलता है तब भी आपको यही करना है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा ओवरसोल्ड है। जब ऐसा होता है ना तो आपको एक मूव मिलता है, एक शॉर्ट कवरिंग का लिटिल बिट मूव मिलता है, कि जितने भी देखेगा कॉल राइटर होते हैं, पुट बायर्स होते हैं, वो अपने प्रॉफिट को बुक भी करते हैं लिटिल बिट, और देन आफ्टर दैट वही चांस बनता है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फ्यूचर पूरी तरीके से टोटली ओवरसोल्ड है, और इतना ओवरसोल्ड जब मार्केट होता है तो वो कहीं ना कहीं एक चांस चाह रहा होता है कि चांस मिले और वो अप ट्रेंड मूव करें। इसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि HDFC बैंक का बड़ा रोल रह सकता है कल, कि HDFC बैंक प्लस में खुल सकता है। प्लस में अगर HDFC बैंक की ओपनिंग हो गई तो इससे अच्छी कोई अपडेट ही नहीं हो सकती। ये फैक्टर पहला फैक्टर मैं बता रहा हूँ। सेकेंड फैक्टर ये है कि देखिएगा जो एक बहुत ही ज़्यादा निराशावादी माहौल आ गया था कॉमोडिटीज़ को लेकर, वो जा रहा है। गोल्ड अच्छा बिहेव कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे सिल्वर अच्छा बिहेव कर रहा है, और जो भी देखिएगा क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल अच्छा बिहेव करें तो इसका मतलब रिलायंस के लिए अच्छी बात है। रिलायंस का भी सपोर्ट मिल जाता है तो आपको पता है कि फिर दो तरफा ये तो एक अच्छी बात हो जाएगी। आगे अगर बात करेंगे तो INR में देखिएगा अभी डाउन देखने को मिल रहा है, मतलब एक जगह पर स्टैटिक बना हुआ है, कोई बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर बड़े फ्लक्चुएशन आ रहे होते उसके वजह से मार्केट गिर रहा होता तो ये चिंता की बात थी, बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा ये अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो बॉन्ड मार्केट में अमेरिका के कोई एज सच बहुत तेजी नहीं है। ये देखिएगा एकदम न्यूट्रल, बस प्लस में होने के लिए ये प्लस में है, वरना और कोई बात नहीं है। फिर अगर आप बात करेंगे यहाँ पे अदर पर्टिकुलर बॉन्ड मार्केट की तो वो भी एज सच बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं है, कहीं कहीं तो निगेटिव भी हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है थोड़ा सा। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है, और देखिएगा निफ्टी बैंक में एक अच्छा फॉल देखने को मिला है, बिग फॉल देखिएगा आपका निफ्टी 50 में देखने को मिला है, पूरी तरीके से मार्केट क्रैश हुआ है, ये प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा बड़ी फैक्टर वाली हैं, ये बड़ी फैक्टर वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ देखिएगा वर्क करेगी, अगर निफ्टी कहीं पे भी खुलता है 24,500 के आसपास या इसके नीचे, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट इतना ओवरसोल्ड है कि एक जंप आपको ज़रूर देगा। वो हो सकता है आपको 24,560 तक का आए, या फिर देखिएगा 24,600 तक का आए, 24,600 तक का आए, ये अलग बात है, लेकिन ये जंप आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक रिकवरी आएगी किसमें,
एक तो आएगी आपके रिलायंस इंडस्ट्री में और दूसरी आपको देखने को मिलेगी HDFC बैंक में। चूँकि रिलायंस इंडस्ट्री में जल्दी आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए भी देखिएगा ये फैक्टर वर्क कर सकता है। तो फोकस करिएगा। राम राम।